रीवा जिले में गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा मध्य प्रदेश की जो परियोजना है त्योंथर बहाव जिसे कहते हैं, त्योंथर बहाव परियोजना के अंतर्गत 40,050 हेक्टेयर के आसपास जो भूभाग है किसानों का, उसको सिंचित किए जाने का प्रावधान था। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, ये बड़ी योजना थी। एक्चुअली ये 239 करोड़ के आसपास की ये पूरी परियोजना थी। वर्ष 2013 का इसको समझ सकते हैं कि वर्ष 2013 के आसपास की ये परियोजना है। और इस परियोजना में त्योंथर का एक अच्छा खासा जो भूभाग था उसको सिंचित किए जाने का प्रावधान था। लेकिन ये मेसर्स HES इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को इसका कार्य सौंपा गया था। उस समय तत्कालीन जो WRD के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधेश्याम जुलानिया थे और उनके समय के दौरान का ये काम है। लेकिन HES इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ये काम नहीं किया गया। और अब आप समझ सकते हैं कि 2013 के बाद अब ये 2023 आ गया है, तो मतलब पूरा 10 साल का ये टाइम व्यतीत हो गया है। तो अभी इसको 21/10/2022 को एक आदेश कार्यालय मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग के माध्यम से और CM त्रिपाठी जो संविदा में मुख्य अभियंता थे गंगा कछार जल संसाधन विभाग में, उनके द्वारा ये जारी किया गया और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया पत्र क्रमांक 8339 दिनांक 21/10/2022 के माध्यम से। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ 40,050 हेक्टेयर के विरुद्ध मात्र 15,000 हेक्टेयर का ही ये डेवलप किया गया क्षेत्र सिंचाई के लिए, और अभी भी 25,050 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र डेवलप किया जाना बाकी है। मतलब कुल मिला के 35-37% तक ही काम किया गया और बाकी काम आज 9 साल में भी नहीं हो पाया, जो काम 3 साल में पूरा होना था। इन्होंने कहा कि कंपनी बहुत सारे कारण बताए, बोले कि प्रशासकीय स्वीकृति में डिले हुआ, कंपनी ने भी कहा कि कोविड के दौरान भी दिक्कत हुई जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीज़ें जो 3 साल में की जानी थी वो 9 साल का समय लगा और इन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। हम ये भी बता दें कि CM त्रिपाठी जो थे एक बेहद मतलब विवादित मुख्य अभियंता के तौर पर रहे हैं, और CM त्रिपाठी को यदि देखा जाए तो उनके कार्यकाल में उनके ऊपर तो FIR भी है, महासागर परियोजना को लेकर के उनके ऊपर FIR है, और संविदा की नियुक्ति को लेकर कि 2 बार उनकी नियुक्ति उसको लेकर के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। और जब 4 साल के दौरान CM त्रिपाठी स्वयं पूरे मामले में जब HES इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है, जब पूरे मामले में वो स्वयं भी मुख्य अभियंता थे, तो आखिर उन्होंने इस बात का ध्यान पहले क्यों नहीं दिया? अब तब ये जाकर के कंपनी को क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं? कंपनी को टर्मिनेट नहीं, सब टर्मिनेट करने के बाद इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, आजीवन काली सूची में डालना चाहिए, वो सब अपने स्थान पर बिल्कुल तय है, लेकिन ये पहले किया जाना चाहिए। और CM त्रिपाठी जो मुख्य अभियंता ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने इसको काली सूची में तो डाल दिया, लेकिन जब ये 9 साल तक कोई काम नहीं की तो इसके ऊपर जो निविदा की शर्तें होती हैं उसके अनुरूप इसके ऊपर क्या जुर्माने लगाए, क्या जुर्माने निरूपित की गई, क्या बैंक गारंटी राशि वापस की गई, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके विरुद्ध फिर इस कंपनी ने जा करके प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसीनगर में अपील की, और अपील में 19/12/2022 को इसे फिर से लगभग 3 महीने के लिए यानी कि 31/3/2023 तक के लिए इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। अब जो काम 9 वर्ष में नहीं पूरा हुआ तो क्या ये 3 महीने, अब तो और भी कम समय बचा हुआ है, 2 महीने 2.5 महीने का काम क्या ये पूरा कर पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इन समस्त अधिकारियों का ये बॉटम से लेकर के टॉप तक इनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।